आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि ट्रैक्शन कंट्रोल होता क्या है, यह कब जरूरत पड़ती है और यह कैसे काम करता है, किन किन परिस्थितियों में काम करता है और इससे क्या फायदे होते हैं। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कारगुरु। कभी कभी कुछ ऐसी जरूरतें होती है जिनके बारे में पहले से प्लान नहीं किया जाता है, जैसे आपको अचानक एक्सलेट करना पड़े जब आपकी कार कीचड़ में फंस गई हो, किसी गड्ढे में फंस गई हो, या बर्फ पर स्लिप हो गई हो, या आप रेड लाइट पे खड़े हो, आपको जल्दी से निकलना हो, तब भी आपको हैवी एक्सलेशन की जरूरत पड़ती है। हाईवे पर आपको किसी को ओवरटेक करना है, तब भी आपको हैवी एक्सलेशन की जरूरत पड़ती है, यानी जरा टॉर्क आपको चाहिए ऑन द स्पॉट। उस समय होता क्या है कि कार के टायर स्लिप हो जाते हैं, यानी अपनी जगह पर ही घुमा करते हैं। आपने नॉर्मली ऐसे सीन देखे होंगे कीचड़ में, जहां पर टायर मिट्टी को पकड़ नहीं पाता और वहीं पे घुमा करता है, और इसकी वजह से कार नॉर्मली पानी में भी ऐसा होता है, बर्फ में भी ऐसा होता है, और जब भी आप हैवी एक्सेलेरेट करते हैं रोड पर तो टायरों से बर्न हो जाता है और उससे धुआं भी निकलता है। ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि टायर जमीन पर, सड़क पर, कीचड़ में अपनी पकड़ छोड़ देता है। इस पकड़ छोड़ने को ही हम लूजिंग ट्रैक्शन कहते हैं। तो जब ट्रैक्शन लूज होता है तो उसकी भरपाई भी करनी पड़ती है, उसको वापस से बनाना पड़ता है। अब यह कैसे काम करता है मैं आपसे बात करता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा व्हील्स में लगे हुए सेंसर से लेता है। जैसे ही एक व्हील दूसरे व्हील से ज्यादा तेजी से घूमता है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को यह पता पड़ जाता है कि एक टायर दूसरे टायर के कंपेरिजन में अलग तरह का बिहेव कर रहा है, यानी वह सड़क पर अपनी पकड़ खो रहा है। और यह कंटिन्यूस ट्रैकिंग का काम लगातार चला करता है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में, कार स्टार्ट होने के बाद से लेकर कार के बंद होने तक, यानी हमेशा चला करता है, भले आपको इसकी जरूरत कभी कभी ही पड़ती हो। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बस इसी डिफरेंस को कंपेयर करता है कि कौन सा टायर ज्यादा घूम रहा है, और जो टायर ज्यादा घूम रहा है यानी उसकी सड़क पर पकड़ कम हो रही है, पकड़ कम हो रही है तो वहां पर टॉर्क भी ज्यादा पहुंच जाता है ओपन डिफरेंशियल की वजह से, जिसकी वजह से वह टायर और तेजी से घूमने लगता है, यानी और पकड़ कमजोर हो जाती है सड़क पर। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम बस यहीं पर अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, वह उसी टायर पर पर्टिकुलर जो स्लिप हो रहा होता है टॉर्क कम कर देता है, और साथ ही साथ ब्रेक भी धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू कर देता है, ताकि वह टायर वापस से सड़क पर अपनी पकड़ बना सके, यानी स्लिप ना हो। बस यही उसका मेन काम होता है। एक्चुअल में जैसे ही ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटर को यह पता पड़ता है कि पहिए की पकड़ कमजोर हो रही है, और वह अपना काम तुरंत इमीडिएट डेटा ले लेके लगातार किया करता है। जैसे उसको लगा पकड़ बहुत ज्यादा कम हुई तो उसने टॉर्क को और ज्यादा कम कर दिया, ब्रेक को ज्यादा अप्लाई किया। उसको लगा पकड़ थोड़ी सी स्लिप हो रही है, उसने टॉर्क को थोड़ा सा कम किया और ब्रेक को भी उतनी जरूरत के हिसाब से ही अप्लाई किया, और ऐसा पर्टिकुलर उसी टायर पर करता है जिस टायर पर स्लिप हो रहा हो, यानी दूसरा टायर उसके अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। यानी अगर यहां से टॉर्क कम हुआ तो वह टॉर्क दूसरे टायर पर ज्यादा चला जाता है अपने आप ही। अब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम किस किस जगह पर आपकी हेल्प करता है, ध्यान से समझें। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपकी हेल्प करता है रेड लाइट पर तेजी से निकलने में, हाईवे पर ओवरटेक करते समय, साथ ही साथ जब आप कीचड़ में फंस गए हो, आपका टायर स्लिप हो रहा हो कार का, उस समय भी आपकी हेल्प करता है। बर्फ में टायर फिसलते हैं उस समय हेल्प करता है, साथ ही साथ सड़क पर थोड़े बहुत पानी में आपने देखा हो कि कार एकदम से बह जाती है, यानी पकड़ खो देती है, उस समय आपकी हेल्प करता है। बस ऐसे ही हर समय ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आपको सड़क पर पकड़ बनाए रखने में हेल्प करता है। अब आप समझ तो गए होंगे कि यह कितने काम की चीज होती है, खासतौर से उसी समय काम में आती है जब आपकी कार सड़क के नॉर्मल बिहेवियर से अलग बिहेव करने लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को क्या सचमुच काम की चीज समझते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफरोडिंग करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत खराब रास्तों पर चलना पड़ता है, या आपके यहाँ मौसम अक्सर बिगड़ा रहता है कि सड़क पर पानी भर जाता है, सड़क पर कीचड़ आ जाता है, या फिर बर्फ जम जाती है, अगर ऐसे होता है तो आपको एक ट्रैक्शन कंट्रोल वाली कार की जरूरत है। आप मुझे बताइए क्या आप इस तरह के सिस्टम को अपनी कार में पसंद करते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो और लगा हो कि हाँ मुझे बेहतर ढंग से समझने में हेल्प मिली है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम को, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अभी अच्छा लगेगा। और अगर आपको पसंद नहीं आया है आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है लाइक कीजिएगा, अच्छा लगता है,
मुझे भी आपको जैसे सवाल के जवाब अच्छे लगते हैं वैसे मुझे भी आपके लाइक पसंद आते हैं। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज रिव्यूज ऐसे ही टेक्नोलॉजी के बारे में भी अक्सर बात किया करता हूँ। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना हो सकता है कोई काम का वीडियो आपसे भी मिस हो जाए। सब्सक्रिप्शन में नुकसान कोई भी नहीं है, फायदे बहुत है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर सबसे पहले लाइक करना चाहते हैं, सबसे पहले देखना चाहते हैं और कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो बगल में नोटिफिकेशन बेल दी गई है, उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कारगुरु।